भाई आज के ब्लॉग का सरप्राइज ये है अरे अरे गुदगुदी होती है आप तो नहीं लुटोगे ठीक है आपके पास आएंगे आपका दिन है आज मजे लो कल हम लेंगे फॉलोवर्स नहीं देख रहा मैं ठीक है ना ही मैं व्यूज देख रहा हूँ आप खुद जाके कंटेंट देखोगे ना समझ जाओगे एंड यहाँ पे भी खन्ना की बाइक खड़ी है ये हमारी बाइक खड़ी है इधर जट की बाइक खड़ी है भाई ठीक है भाई सीन चल रहे हैं सेट चल रहे हैं भाई अभी कोई था बंदा एक यूट्यूबर ठीक है मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा था तो हाँ रिप्लाई आ रहे थे बट ठीक है वो उतने ऑन द सडन वाले रिप्लाई नहीं आ रहे थे भाई बट भूसा जैसे ही दिखे ना वो बंदा आया उसने रिप्लाई दिया अच्छे से तो भाई ये चीजें होती है इन बाइक से ना फर्क पड़ता है थोड़ा सा वेरी गुड मॉर्निंग वैसे अभी गुड मॉर्निंग ही हो रही है गुड आफ्टरनून हो रही है अभी बज रहे दिन के 4 और सर यहाँ पे बस एक रेडबुल का पैक लेके बैठे हमारे वो पैक नहीं चलते भाई हमारे पैक चलते रेडबुल के बाकी भाई अपना हेलमेट रेडी है मैं रेडी हूँ मैं भी एक पैक मार लेता हूँ एक मिनट यार इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे हैं बैक टू बैक एक्सप्लोर कर रहे हैं बैक टू बैक मजे कर रहे हैं तो एनर्जी तो लूज हो ही रही है गेन कहीं नहीं हो रही बट भाई आज हमारे इस रोड ट्रिप का सर कौन सा दिन है पहले दिन गोधरा दूसरे दिन मुंबई तीसरे दिन गोवा चौथे दिन गोवा पांचवे आज आज हमारे सोलो ट्रिप का पांचवा दिन आपको पता है कल वाले ब्लॉग में भाई हम IBW गए थे एंजॉय करा था हमें कुछ गुडीज मिला था मैंने आपको बोला था मैं घर जाके बताऊंगा मतलब हमारे विला आके बताऊंगा बट टाइम नहीं मिला यार तो गुडीज में हमें मिला था सबसे पहले तो एक ये प्यारा सा बॉटल कुछ स्टिकर्स और ये पेपर को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता बट इसमें उसकी डिटेल्स दे रखी है और ये रहे स्टिकर्स और साथ ही साथ इसके अंदर टी शर्ट है कीचेन है और एक बैजिंग है और एक प्यारा सा क्यूट सा IBW का बैग है भाई तो ये गुडीज मुझे बहुत अच्छे लगे और इनको भाई मैं संभाल के तो रखूंगा यार बाकी अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं भाई IBW के लिए आप सोच रहे होंगे कि आज IBW के 4 बजे निकल रहे थे तो दिन भर क्या कर रहा था भाई अब कहना आज थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत सुबह ऑलरेडी वैसे ही थोड़ा लेट उठे थे उसके बाद व्लॉग एडिट करना शुरू करा और अब टाइम मिला है भाई तो अब निकल रहे IBW के लिए बाकी आपका भाई कैसा लग रहा था कमेंट करके जरूर बताना भाई चले सर चलो बाकी है ना सर ने ये पैंट मस्त ली है यार मतलब बिल्कुल फ्री गोवा के हिसाब से आज तो सर चिल करने वाले पूरा सर पूरा प्लान करके आए सर कुछ भी नहीं लेके जा रहे आज हम दोनों का पूरा मूड चिल करने का है अभी नीचे चलते फिर आपको और एक सरप्राइज दूंगा भाई आज के ब्लॉग का सरप्राइज ये है कि मैं चलाने वाला हूँ सर की ड्रीम मतलब भूसा और सर चलाएंगे मेरी बगीरा भाई अगेन थैंक यू सर भाई आज मतलब ठीक है थोड़ा हम भी टोरा मचाएंगे यार कुछ भी कह लो यार ये कितनी भी अच्छी हो बट इनलाइन 4 के आगे भाई कोई नहीं दिखता कोई भी नहीं दिखता ये जहाँ चली जाती है ना कल मैं लिटरली देख रहा था कि ये जहाँ खड़ी थी ना लोग 10R S1000R किसी को नहीं देख रहे थे इसी को देख रहे थे बट इस बार सर लॉन्ग केन लगा के लेकर आए थे इसलिए ये उतनी तो भाई नहीं बेचारी बट जिस दिन इस पर शॉर्ट केन लग जाएंगे ना जैसे जयपुर में लगे थे भाई वो भाई हालतें खराब हो जाएगी हाँ लोगों की लोग बस मुड़ मुड़ के देखेंगे सर क्या होगा अगर इसमें शॉर्ट केन लग जाए अभी तो कान और सब फाड़ देगी भाई क्या कहते हो फ्लाइट से मंगा ले भाई मन तो बहुत कर रहा है सर का और मेरा दोनों का इस बार का IBW ऐसे निकालते बाकी अगली बार तो भाई प्लान है भाई तबाही मचाएंगे पूरी तबाही मचाएंगे अभी से हम सब ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया अगले IBW का जो कि अगले साल होने वाला है भाई कल रात को भी इसको मैंने चलाया था इसको चलाना एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई इसको चलाना मजाक नहीं है वगैरह को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है अब इसको कोल्ड स्टार्ट करेंगे लिखा है इसके भी इसको पता है इसका मालिक कौन है मेरे हाथों से स्टार्ट नहीं हो रही थी सर के हाथ एक बार में स्टार्ट हो गई चलो इन दोनों को निकालते हैं बाकी सर भी वगैरह पे अच्छे लग रहे हैं यार और यार मुझे डर लग रहा है ना मैं चप्पल पहन के भूसा चला रहा हूँ यार शिट पर है ना कल जूते है ना वहाँ पे पहन के दिन भर मैं ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और पूरा मिट्टी वाला एरिया है तो जूते भी पूरे गंदे हो चुके हैं और आज उन गंदे जूतों को पहन के जाता अच्छा नहीं लगता
भाई खाली रोड मिले तो इसके मजे लू रहा है यार, खाली रोड ही नहीं मिल रही। हर कोई खुश होता है यार, हर कोई खुश होता है ब्रो। सामने प्यारी डुकाटी है भाई, पीछे है भाई IBW अगेन पहुंच गए। आज मैं भूसा लेके पहुंचा हूं भाई, बहुत खुशी हो रही है। और थैंक्स टू पन्ना सर भाई, अगर पन्ना सर का ट्रस्ट दिखाते ना भाई तो ये मौका आज मुझे नहीं मिलता कि इतने सारे सुपरवाइज के बीच में भाई खड़े होके भाई रेव करो यार। मज़ा आया बहुत मज़ा आया। IBW का सेकंड डे एंड वी आर अगेन एट IBW भाई, मतलब इसके तो पार्किंग में आके खुशी मिल जाती है। आप हर जगह जहाँ देखोगे ना वहाँ बस आपको बाइक दिखेगी, एक से बढ़कर एक, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो भाई, बाइक कोई सी भी हो प्यार है भाई। जरूरी नहीं है कि नहीं सुपर बाइक ही होनी चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं कि नहीं ये कैटेगरी होनी चाहिए, कुछ भी चलेगा। बाकी भाई ये भी बहुत सेक्सी लगती है यार, बहुत छोटी सी लगती है। सर आज पार्टी मोड में है बिल्कुल भैया। राधे राधे। सर पकड़ना एक बार, यो ये नहीं देखना मुझे भैया। आप भी कुछ चेक करेंगे क्या? अरे अरे गुदगुदी होती है। नाइस बाइक ब्रदर। ओ भाई ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है सारी। आज मुझे लग रहा है और ज्यादा माहौल बन रखा है भाई। ये भाई भैया कल जिन्होंने हमें हमारे जीवन का सबसे महंगी आइसक्रीम खिलाई थी, 250 रुपए की दो आइसक्रीम। आप तो नहीं लुटोगे, ठीक है आपके पास आएंगे। मस्ती मजाक करते रहना चाहिए किसी के साथ में यार, यही दिन है भाई, फिर तो घर जाके वही सोना है, उठना है, काम करना है भाई। हम वापस इवेंट से बाहर आए ताकि ये हेलमेट रख दे यार। पन्ना सर की फ्रेंड है पूवर कस्टम करके, जिन्होंने अपना अंदर स्टॉल लगाया भाई, उनकी इशूज हो रही भाई, इनकी इशूज में पटक देंगे भाई। इस गाड़ी में वो अपनी दोनों बाइक डिस्प्ले की लोड करके लेके आया, क्या सही माहौल था, देख के मजा आ रहा था। और सपना जो अपना एक ऑलरेडी है ना कि भाई इशूज लेनी है, वो ये दिखा के और इन्होंने पक्का कर दिया था। तो हर्ष भाई के साथ भी एक साल बाद मिल रहे, लास्ट ईयर जब मैं मोटरमा फेस्ट में था तब इनके साथ मिला था, आज वापस मिल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो भाई ये जितने भी है ना सारे मर्चेंडाइज है, ये सारे ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे अपना शो कर रहे हैं आउटलेट, यहाँ पे डाइनीजी AGV भाई, ये बाइक मेरी मतलब फेवरेट बाइक में से एक बाइक है, हाइपर मोटार्ड कभी ना कभी तो लूंगा। और ये क्या है भाई, यहाँ पे बिग बैड बाइक वायतारा, तो यहाँ पे चल रहा है मसाज, वो अंकल मजे ले रहे हैं। क्रेजी मैन पैशन देखो भाई क्या क्या बना देता है भाई, बड़ा अच्छा था, बहुत देख के अच्छा लगा। आज अभी भाई शाम हो गई पूरी, तो थोड़ी देर में म्यूजिक इवेंट शुरू हो जाएगा, म्यूजिक लाइव इवेंट, तो वो भी एंजॉय करने का। आज फुल डांस करूंगा यार। Now I'm becoming a threat.
में नाच रहा था अभी जस्ट, और एक साइड पे आया हूँ भाई। पंडा सर बुला रहे, देखते हैं किस लिए बुला रहे भाई। लिटरली मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना नाच लिया। और कवर करो, केस बना, जीते जीते। अच्छा हो गया ना? हाँ मैं वहीं पे था। कांग्रेचुलेशंस भाई, आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे कुवा कस्टम्स जयपुर से ही है। एंड भाई पहली बार IBW आके, पहली बार ये भी आए अपनी बाइक्स को भी लेकर आए और जीत के ले जा रहे हैं। प्राउड ऑफ राजस्थान ब्रो, प्राउड ऑफ राजस्थानी अम्मा गणी। बाकी भाई आपको भाई इनकी रुस्तम आपको मैं चेकआउट कराता हूँ लिटरली। अभी मैम भी फोटो खिंचा रही है, बट लिटरली भाई जिस तरीके से रॉयल इनफील्ड को कस्टमाइज करा है ना, क्रेजी भाई क्रेजी। आप एक एक डिजाइन देखो, आपको इंडियन कल्चर भी दिखेगा साथ में। एंड भाई ट्रॉफी देखो यार, कितनी सेक्सी ट्रॉफी दी है भाई, सेक्सी ट्रॉफी। ये फर्स्ट प्राइज है एंड पूरी टीम को सलाम है। लिटरली आज का भी इवेंट जो है बहुत क्रेजी इवेंट है, बहुत मजा आया। गली गैंग आया, अभी पता नहीं कौन आया, आई डोंट नो। मैं बस डांस करने में बिलीव कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ भाई। और भाई ये आज का लास्ट डे है, मैं सब दो दिन का IBW था, कल हो गया, आज हो चुका है। बस अभी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे और बाकी है, फिर ये कंप्लीट पैकअप हो जाएगा भाई। ये मस्ती, ये बाइकर इवेंट, ये बाइक का मेला। सक्सेसफुली कम्प्लीट है आई थिंक सो। मैंने तो बहुत इन्जॉय करा एंड आई थिंक सो यहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे सबने इन्जॉय करा होगा, बाइकर्स नॉन बाइकर्स जितने भी लोग आए होंगे भाई, बहुत मज़ा आया लिटरली। एंड अब तो प्लान है भाई कि अगली बार है ना ऐसे ऐसे नहीं आना भाई, अपनी बाइक ना स्टेज पर खड़ी होनी चाहिए, ऐसा करके आना है कुछ तो भाई। इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको पता है करना है क्या, एक छोटा सा लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अभी वीडियो को एंड नहीं कर रहे, एक बार अंदर जाते हैं, बाइक्स लेकर आते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। आपका दिन है आज, मजे लो, कल हम लेंगे। भाई लिख के दे रहा हूँ, हम भाई लोग सारे लोग मेहनत कर रही है। ये भाई भी राउल सोनी है, मैंने अभी इनका मतलब इंस्टाग्राम हैंडल देखा भाई, फॉलोवर्स नहीं देख रहा मैं ठीक है, ना ही मैं व्यूज देख रहा हूँ। आप खुद जाके कॉन्टेंट देखोगे ना समझ जाओगे। इंस्टाग्राम आई डी भी स्क्रीन पर आ रही है भाई, चेक कर लेना, इंस्टाग्राम आई डी बता दो। राहुल सोनी _97 और बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया था, मेरे 0 फॉलोअर्स, 4 महीने में ही 10 तक क्रॉस हो चुका है। एंड यहाँ पे भी खन्ना की बाइक खड़ी है, ये हमारी बाइक खड़ी है, इधर जट की बाइक खड़ी है भाई, ठीक है भाई, सीन चल रहे, सेट चल रहे सीन। हाँ दिन वाली बात बोली ना, आज मेरा दिन तुम्हारा दिन ऊपर वाला, हर किसी का अच्छा दिन दिखा है, सबका दिन अच्छा है, क्योंकि भाई कर्मों में बिलीव करो, कर्म अच्छे करोगे आपके लिए। मैंने भी इनको मतलब यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है, हमारी भी इच्छा कि हम यहाँ से यहाँ जाए, मतलब मेहनत कर रहे ना, हो जाएगा, तुमने बोल दिया हो जाएगा, डन। भाई मेरे GoPro में 18% बैटरी बाकी है, जितना रिकॉर्ड होगा उतना कर लेंगे, बाकी तो जय माता दी मेरे भाई। भाई भूसा को चलाने का लिटरली अलग फील है यार, मतलब ये जो गाड़ी है ना भाई, ये दिखती है भाई कसम से। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ और उस बात से ना किसी को आप गलत मत समझना ठीक है। भाई अभी कोई था बंदा एक यूट्यूबर ठीक है, मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा था तो हाँ रिप्लाई आ रहे थे, बट ठीक है वो उतने ऑल ऑफ सडन वाले रिप्लाई नहीं आ रहे थे भाई, बट जैसे ही ना मैं भूसा को भी अंदर लेके गया था तो भाई भूसा जैसे ही दिखी ना वो बंदा आया, उसने रिप्लाई दिया अच्छे से। तो भाई ये चीजें होती है, इन बाइक से ना फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ये चीज मैंने देखी है भाई, ये इसको कोई झुठला नहीं सकता। और ये पहली बार नहीं, 2-3 बार देख चुका हूँ मैं ये चीजें। तो भाई IBW होता है यही समाप्त, अब यहाँ से होगी हमारी गोवा की जर्नी स्टार्ट।